Good morning, students. Today is 29 November 2021. Chapter 8, For Our Own Good. I hope you have watched before video. And today, page number 53, I will read some lines and I will explain that lines in Hindi also. Remain still with fear. So, the king quickly closed his eyes and remain still with fear. The huge lion came close to the king, smelt him from head to toe. He then turned and left quietly without attacking him. You can imagine how relieved the king was. He got up and rode back home in deep थॉट. एक्चुअली व्हाट हैपन, जब वो राजा जंगल में गए थे और एक पेड़ के नीचे जब वो आराम कर रहे थे, सो उन्होंने देखा कि एक लॉयन उनकी तरफ आ रहा था. तो डर के मारे इन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी और वो लॉयन उनके पास आकर वहां से उनको सिर से पैरों के टो तक, मतलब सिर से लेके नाखून तक पैरों के, उनको स्मेल किया, उनको सूंघा और फिर पता नहीं क्यों वो वहां से चला गया. उनको बिना, मतलब राजा को लॉयन ने कुछ भी नहीं किया, उनको मारा नहीं, उनको जख्मी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और वो लॉयन वहां से चला गया. और राजा तो चौंक गया कि पता नहीं क्या हो गया, ये कैसे चला गया. लेकिन हाउ रिलीव्ड मीन्स कि राजा को बहुत सुकून महसूस हुआ, बहुत ही राजा को क्या महसूस हुआ, शांति महसूस हुई, या तो वो बहुत धन्य हो गए कि थैंक गॉड मुझे वो लॉयन ने कुछ भी नहीं किया. यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट इंसिडेंट हैड हैपन व्हेन द लॉयन केम टुवर्ड्स द किंग एंड द एक्सप्रेशन ऑफ किंग्स फेसेस यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो. actually what is happening with the help of you, with the help of this picture you can understand. so okay, so next dekho. as soon as he reached the palace he called for his ministers and told them what had happened. can anyone tell me why the lion did not kill me. aur jaise hi raja apne mahal mein chala gaya to usne kya kiya, jo मंत्री थे वहां के, जो मिनिस्टर थे जिनको उन्होंने एक्चुअली जेल में डाला था, उनको भी बुला लिया और बताया कि कोई मुझे बता सकता है कि मुझे कुछ किए बिना, या तो मुझे कुछ जख्मी किए बिना ही वहां से वो लॉयन वहां से क्यों चला गया, क्या कोई बता सकता है. ये क्वेश्चन किंग ने सभी से पूछा, मिनिस्टर से पूछा. द वाइज मिनिस्टर गॉट अप एंड सेड, Your Majesty, a lion will never touch or eat man who is either injured or lame. तो वो मिनिस्टर बोले सॉरी, आपको पता है कि लॉयन कभी भी, या तो लॉयन कभी भी ऐसे आदमी को नहीं खाता है जो पहले से जख्मी है, जिसे कुछ लगा है ना, तो ऐसे आदमी को वो नहीं खाता, नहीं खाता या नहीं मारता भी है. द किंग एट वंस लुक एट हिज इंजर्ड मिडल फिंगर एंड थॉट ऑफ द मिनिस्टर हुम ही हैड थ्रोन इन टू जेल. ही गॉट अप एंड रश टू द प्रिजन एंड फ्रीड द मिनिस्टर. और राजा ने जैसे अपने मिडल फिंगर की तरफ देखा और फिर उन्होंने क्या किया, जो मिनिस्टर को जेल में डाला था उनको वहां से रिहा कर दिया और जेल के तरफ वो जाने लगे और उन्होंने वो मिनिस्टर को क्या किया, वहां से रिहा कर दिया, मतलब उनको प्रिजन से बाहर निकाला, उनको बाहर लेकर आ गए. कॉलिंग द फुल कोर्ट वेयर ऑल हिज मिनिस्टर्स वर प्रेजेंट ही बेग द मिनिस्टर टू पार्डन हिम माई फ्रेंड. तो सभी वहां पे, सभी मंत्रीगण जो थे राजा के दरबार में, वो सभी आ गए थे और वो जो मंत्री थे वो भी आ गए थे जिनको जेल में डाला गया था. और राजा उनसे बोलते हैं कि मुझे माफ करना है मेरे दोस्त, मुझे माफ करना. ही बेग द मिनिस्टर
टू पार्डन हिम माय फ्रेंड, मेरे सच्चे दोस्त मुझे तुम क्या करो, माफ करो. माय फ्रेंड ही से, इट इज नाउ प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट माय फिंगर वाज कट फॉर माय ओन गुड, बट टेल मी व्हाट गुड डिड इट डू यू टू बी इन प्रिजन. राजा ने बोला हाँ, बियॉन्ड डाउट मतलब श्योर, 100% 100% तुम्हारी बात ये सही है कि तुम हमेशा बोलते हो ना एवरीथिंग इज फॉर योर ओन गुड, मतलब जो कुछ तुम्हारे साथ होता है वो तुम्हारे अच्छे के लिए होता है. और वाकई ये बात आज साबित भी हो गई, जबकि मुझे ये लगा हुआ था मेरे फिंगर को, उसकी वजह से लॉयर ने मुझे कुछ भी नहीं किया, मुझे खा भी नहीं लिया या मुझे मारा भी नहीं. अब ये बात मैं 100% एग्री करता हूँ या मानता हूँ. लेकिन तुम मुझे ये बोलो मेरे दोस्त मिनिस्टर, आप मुझे ये बोलिए कि अभी मैंने तो आपको जेल में डाला था, तो आपको जेल में डाला तो ये आपके लिए अच्छा था, या आप हमेशा बोलते हो जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप बताएंगे कि आपको तो जेल में डाला था ये बात क्या अच्छी थी. सो व्हाट इज द आंसर, व्हाट ही आंसर, मिनिस्टर आंसर टू किंग, लेट अस रीड. द मिनिस्टर रिप्लाइड, माय लॉर्ड यू नो माय लव फॉर यू. मिनिस्टर बोले मेरे भगवान मेरे मालिक, मुझे पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ. आई वुड श्योरली हैव गॉन हंटिंग विथ यू, और जब आप शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे थे तब मैं आपके साथ जरूर आता. द लॉयन लिविंग यू एन इंजर्ड मैन ऑन हार्म वुड हैव किल्ड मी इंस्टेड. मिनिस्टर बोले कि आपको आपके साथ अगर मैं जंगल में शिकार करने के लिए आता तो क्या मुझे लॉयन छोड़ता, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं लगा था, तो मुझे जरूर लॉयन खा जाता या मुझे मार डालता. तो द किंग, तो ये कहने का मतलब उनका यही था मिनिस्टर का कि अच्छा हुआ लॉयन मुझे खाए या लॉयन मुझे मारे, तो उससे अच्छा क्या था कि मैं प्रिजन में ही मुझे आपने बंद किया था, यही मेरे लिए अच्छा था. द किंग वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द मिनिस्टर्स विजडम. He hugged him and said, "Your words have proved to be as wise as those written in our holy books. I bow to your wisdom." तो अंत में you can see in this picture, ending में क्या हो गए, राजा ने अपने जो minister थे उनके बात से वो प्रभावित हो गए और उन्होंने क्या किया कि मिनिस्टर को गले लगाया और ये कहते हुए कहा कि वाकई ये तुम्हारे शब्द जो तुम हमेशा कहते हो उन्होंने आज ये साबित कर दिया है. तो ऐसे पवित्र बुक में, होली बुक्स में आपका ये जो कहना है, आपकी ये जो बातें है उसे लिखा जाएगा, या तो ये बातें आपके बाद भी दुनिया में वैसे ही लोग जान पाएंगे कि एवरीथिंग इज फॉर योर ओन गुड, है ना. एक्चुअली ये तो जो कुछ होता है तो हमारे अच्छे के लिए ही होता है. सो हमेशा हमारे साथ अगर कुछ बुरा भी होता है, कभी अच्छा भी होता है, तो उसमें हमारा ही भला छिपा हुआ होता है. एंड द फ्रॉम द फार्मर्स टेल बाय बीबी बैरो, तो जो इस बुक से ये स्टोरी ली गई है. तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी मिनिस्टर और किंग की, और उसका मतलब उसका मॉरल भी बहुत अच्छा था. I hope you will read this story again and again. If not, the next video I will send on reading base. तो उसमें reading कैसे करना है, बहुत difficult words के, तो at least 10 lines में explain करूंगी अगले line में. I hope you have understood this story and बहुत ही अच्छी story है, बहुत सारे new words भी है, तो आपको उसका PDF भी मिल जाएगा dear students. Don't worry about that. Okay? Bye and take care.